सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। गौ हत्या के शक में हिंसक हुई भीड़ ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद भी भीड़ उन्हें पीटती रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उनके बाईं आंख के पास गोली लगने से मौत हुई, साथ ही उनके शरीर पर घुटने, कमर, कंधे और पीठ पर डंडों की मार के निशान पाए गए हैं। खबरों के मुताबिक सुबोध कुमार ग्रेटर नोएडा में हुए अखलाक हत्याकांड की जांच में शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान LG लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने बताया कि इस घटना की जांच के लिए 2 SIT गठित की गई हैं। अब तक 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हिंसा भड़कने के पीछे उन्होंने बताया कि महान गांव के पूर्व प्रधान ने खेत में गौवंश के अवशेष मिलने की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर ही रही थी कि इतने में ट्रैक्टर ट्रॉली पर आई गौवंश के अवशेष को भरकर चिंगरावटी पुलिस चौकी के पास पहुंच गई और जाम लगा दिया। जब भीड़ उग्र होने लगी तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दी और भीड़ कंट्रोल न होने पर पुलिस वालों ने आंसू के गोले भी छोड़े। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध के सिर में गोली लग गई। जब वो जान बचाकर वहां से भागे तो भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। फिलहाल SIT इसकी जांच कर रही है और अब तक सियाना क्षेत्र से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस चश्मदीदों और सामने आई वीडियो तस्वीरों के आधार पर छापेमारी कर रही है। महाव और चिंगरावटी दोनों ही गांव घटना स्थल के नजदीक के गांव हैं। कहा जा रहा है कि जो 400 से 500 लोगों की भीड़ आई थी वह इन्हीं गांव से आई थी। अभी तक इस मामले में 75 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की कुल 6 टीमों ने 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए TNN न्यूज़ के साथ।